काम इसमें तो यार सारा पक्का किया है, ये चेक कर लो। ब्रो यार, मैंने थोड़ा लेंटर को सेव करने के लिए, लेंटर को नहीं यार, अपने आप को सेव करने के लिए, कोई भी किसी व्यक्ति ऊपर आता है तो, या मैंने कहा चार दीवारी ऊपर दे देते हैं तो ये उसके लिए, ये चेक कर लो साहब हमारे अच्छा ये बाहर खुद बांधी हुई की वाली अलहदा करके। मत भाई आज पार्टी तो ले आया, टाइम तकरीबन क्या हो रहा है यार, ये टाइम मुझे याद रहेगा अगर यार गाड़ी सेल रही हो गई तो। टाइम इस वक्त यार हो रहा है 10 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ ए GTA 5 रियल लाइफ मॉड। आज की वीडियो में हम जाएंगे यार प्राडो हमने बाय करनी है, और ये वीडियो यार काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे और मैंने भी कहा होता है थोड़ी लेट होगी, बट आज फाइनली यार आ गई है। और उससे पहले यार अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हाँ यार मेरे एक भाई हैं तो उनका चैनल भी है यार, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मैं यार लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में कम्युनिटी में भी, तो उन्हें यार लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर देना ना और यूँ ही यार सपोर्ट करते रहना। और यार गाड़ी दिखाने का मकसद ये है कि अभी यार मैं यही गाड़ी लेके जाने वाला हूँ और सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से। रात को मेरी अहमद भाई के साथ बात हुई थी, अभी मैंने पहले उन्हें पिक करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं इधर ही साइड पे यार हमारा यहाँ CNG स्टेशन है, तो उधर ही वो कह रहे थे मैं कहीं काम से आया हुआ था तो मुझे वहाँ से आके पिक कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और मैंने यहाँ से फिर अहमद भाई को पिक करना है, फिर यार सीधा यहाँ से हमने जाना है जी अपने डेयरी फार्म पे, वो भी मैं फार्म भी आपको विज़िट करवाऊंगा थोड़ी यार इसमें अपडेशन की है, तो साथ में वहाँ से एक और चीज़ है यार सर, मैंने शबीर को बोला हुआ था जो हमारी फार्म पे काम करता है, तो उसने यार उसने तो नहीं सॉरी मैंने ही उसे कहा हुआ था कि तुम पैसे थोड़े से साथ ले आना तो अपने बैंक अकाउंट से, क्योंकि वो असल में मैं रात को जा नहीं सका, तो उसी मैंने कहा सुबह आते हुए तुम किसी भी वक्त जिस तरह तुम कल शाम को हो सकता है या जिस वक्त भी तुम्हें मुनासिब लगे तुम ले आना, तो वो कहीं कल शाम को ही किया है, तो उसने जब जाते हुए तो उसने बैंक के निकलवा दिए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक हो गया। उससे असल में आज अभी जा रहा हूँ तो पैसे पास नहीं है, अहमद भाई ये खड़े हैं यार। चलो यार पहले इन्हें पिक कर लेता हूँ अहमद भाई। ओह मुझे शुक्र है यार नज़र आ गए। आए जी अहमद भाई आए, नहीं मारते यार आराम से आए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा आ गया भाई, चले तायर भाई शुक्र है यार जल्दी पहुँचे, मुझे इतना वेट नहीं करवाया। ओ यार वो मैं असल में जल्दी में ही निकला हूँ ताकि यार आप ज़्यादा वेट ना करो, और असल में जाना है यहाँ से पहले जाऊँगा डेयरी फार्म पे, मैंने आपको बता ही नहीं सका, वो मैंने जाना है पहले शबीर से, मैंने कुछ पैसे लेने, अगर गाड़ी पसंद आ जाती है तो उससे कुछ पैसे वैसे दूंगा, अगर यार उसने इजाज़त दे दी यानी कि इन थोड़े पैसे में आप गाड़ी ले जाओ तो चलो फिर ले आएंगे। वैसे आपको वो बंदा जानता है? अबे भाई टेंशन ना ले, इंशाल्लाह मैं उसे बोलूँगा वो गाड़ी देगा, साथ ही देगा, मेरा दोस्त ही है शायद नाम है, काफ़ी अच्छा बंदा है, और गाड़ी उसके पास 2 थी यही बिल्कुल यार सेम टू सेम थी, लेकिन यार उनके कलर डिफरेंट थे बस, बकाया यार गाड़ियों को उसने रेम सब कुछ यार एक ही फिट किया होता। अच्छा अच्छा बेहतरीन हो गया, तो फिर चलें फिर गाड़ी तो देखते हैं, अभी बस ये डेयरी फार्म पे हम पहुँच आए हैं, ये यहाँ से बस मैंने पैसे लेने हैं फिर हम जल्दी से निकलते हैं। अहमद भाई थोड़ा मैं बस इन्हें अपने गाइस को ज़रा सा यार बता दूँगा डेयरी फार्म फिर हम निकलते हैं। ठीक है आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं, आराम से चले जाएँगे। बस मैं इधर ही यार गाड़ी लगाता हूँ। अच्छा सुजुकी आप इधर खड़े करते होते आप? हाँ असल में वो क्योंकि इधर ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो यहीं पर मैं इसे लगा देता हूँ। नहीं ना अच्छी बात है यार, वहाँ पे गया यार रोज़ रोज़ वहाँ से लेके आना, फिर वह लेदर से फिर खर्चा आते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए इसे यहीं पे खड़ा किया, तो शबीर में आज यार बाहर ही बैठा हुआ, मुझे लगता है अंदर दूसरे काम वाले लगे हुए, तो आप अहमद भाई मेरा वेट करें बस में आए। ठीक है आप जाइए आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो गाइज ये यार कुछ यार फार्म की अपग्रेडेशन हुई, यहाँ पे यार मैंने ये सीढ़ी ऐड करवाई है और ये ऊपर छत है, काम इसमें तो यार सारा पक्का किया है, ये चेक कर लो। ब्रो यार मैंने थोड़ा लेंटर को सेव करने के लिए, लेंटर को नहीं यार अपने आप को सेव करने के लिए, कोई भी किसी व्यक्ति ऊपर आता है तो, या मैंने कहा चार दीवारी ऊपर दे देते हैं तो ये उसके लिए, ये चेक कर लो सारा यार मैंने कवर किया यहाँ से, ये ठीक है ना? अगर यार ये चीज़ बुरी लग रही है तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताना, इसे मैं हटवा दूंगा। और यार मैं डेयरी फार्म आपको नीचे भी विज़िट करवाता हूँ, उसका भी यार मुझे बताना कि ये ठीक है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, या मुझे इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी यार मुझे आपने लाजमी बताया। ये यार ये देख लो यार, ये दूध वाले जिन्हें डोले बोलते हैं ये वो है, और साथ में ये हमारे काम वाले बंदे लगे हुए, ये हमारे कस्टमर है। क्या हाल है भाई?
ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। तो ये यार ये कस्टमर थे हमारे, अच्छा ये बाहर खुद बांधी हुई की वाली अलहदा करके, तो एक यार इसमें थोड़ी तंग करती है इसीलिए इन्हें अलहदा बांधा हुआ है। तो ये यार इस साइड पे भी सारा हमने कवर करवाया, ये देखो पूरा यार अपने अंडर कर दिया। अब इंशाल्लाह कुछ माल भी मजीद लेके आएंगे। बस यार अब शबीर से मिलता हूँ, निकलता हूँ। शबीर यार क्या हाल है? मैं असल में उधर चला गया। खरा खरा कोई बात ना, तो बैठा। नहीं यार बस तुम पैसे दो, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा पैसा गया फिर आप गिल ना यार 50-50 के। बस यार पूरे ही होंगे तो मैं अभी निकल रहा हूँ। आज जल्दी से कोई बस। हाँ यार गाड़ी देखने जा रहा हूँ, ली तो तुझे बताऊँगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है फिर आप हो जाए, आप लेट हो रहे हैं। चल ठीक है फिर मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस इससे मैंने पैसे तो ले लिए हैं। बस अहमद भाई मैं गाड़ी पीछे करता हूँ, आप मोड़ लूँ फिर बैठें। है रे आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी यार करता हूँ थोड़ी रिवर्स, तो अहमद भाई बैठे हैं तो सीधा हम निकलते हैं। बैठे हैं अहमद भाई? अच्छा अच्छा मैं पीछे ही बैठूँ, आगे आए। बस मैं ठीक हूँ यार पीछे। चलें ठीक है। तो बस गाइस हम तकरीबन अहमद भाई के मुताबिक हम करीब ही पहुँच जाएँ। बस यार यहाँ से यार राइट राइट। चलिए ठीक है मैं, अच्छा ठीक हो गया यार। वो मैं आगे निकल रहा था, वो मैंने कहा ओवरटेक कर दूं लेकिन आपने बता दिया। तो बस इधर आगे ही है या फिर इधर से आगे फिर पक्का रोड भी है ये इसी तरह साथ? नहीं बस इसी तरह यार सारा, बस इधर साथ ही हम करीब ही पहुँचने वाले। चले अच्छा हो गया। इधर से यार राइट या लेफ्ट? नहीं आप लेफ्ट चले जाएँ यहाँ से नीचे वाली साइड। अच्छा इतना दूर नहीं यार, बस मुझे नज़र लग रहा है कि यहीं हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइस हम जी पहुंच आए हैं जी शायद भाई की तरफ, और यहाँ पर यार मैं कर देता हूँ यार गाड़ी को इधर ही कहीं पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे पीछे कर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है ठीक है अहमद भाई पीछे आऊँ? आए आए आराम से आए, पीछे है यार काफ़ी जगह है। आए और भी आए? बस ठीक है यार और क्या पीछे करें। चले उतरे आए। ओ चलो पता नहीं यार अब शायद यही शायद भाई, अब मुझे सही नहीं पता, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, आपको यार आप मुझे कैसे जानते हो? मैं असल में वो अहमद भाई के साथ आया हूँ ना पीछे। हाँ अहमद भाई ठीक है? अहमद भाई शुक्र है लगा आप ठीक है। वो मैंने देखा नहीं है गाड़ी पर इसलिए। तो अच्छा गाड़ी देखने के लिए आया, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, मैं ले आता हूँ उधर ही। आराम से आप ले आए कोई मसले की बात? हाँ आराम से ले आए। वाला करो यार गाड़ी सहल हो जाए। अहमद भाई आज पार्टी तो ले आए हैं, टाइम तकरीबन क्या हो रहा है यार? ये टाइम मुझे याद रहेगा अगर यार गाड़ी सहल रही हो गई तो। टाइम इस वक्त यार हो रहा है 10 बज रहे हैं। अल्लाह करे यार बस दुआ करो। चलो मैं ले के जाता हूँ, ये गाड़ी है मेरी, मैंने चेक करवा देता हूँ। चल जी जो स्टार्ट सुबह तो मैंने की थी ठीक सी अभी। हाँ शुक्र अल्लाह का यार स्टार्ट हो गई है। अभी यार लेके चलता हूँ, उन्हें दिखा देता हूँ पार्टी, शायद अच्छी लग रही है जो इतने यार देखने के लिए आई है इतने दूर से। अब दिखाता हूँ मैंने आज यार गाड़ी इधर ही लगाओ। नहीं यार नहीं मारता यार नहीं मारता, वैसे इधर इन्हें खुद ही यार कहता हूँ चेक कर ले। तो आज जी भैया आप खुद ही चेक करें ताकि यार आपको समझ आए। मैं तो आपको चेक करवाऊँगा फिर देखें अपना चेक करने में और मेरा चेक करवाने में फ़र्क है। आप गाड़ी की चाबी लें और ख़ुद ही देख लें। अच्छा चलें मैं देख लेता हूँ। आए जी अहमद भाई। अच्छा जी मैं भी चलो आगे ही बैठ सकता हूँ। अहमद भाई आप आगे बैठते? बस आप ही बैठे। चलो जी आप बस बैठे निकलें आप निकालें गाड़ी। अच्छा जी तो अच्छा चलें वैसे बैठ के तो इतनी बात नहीं हो सकती, अभी आपसे इस वाले से भी पूछ लेता हूँ गाड़ी के वाले से भी। तो गाड़ी का क्या है यार मॉडल वगैरह क्या है? उस गाड़ी का मॉडल 91 मॉडल गाड़ी है, और गाड़ी जो है ना ये सारे अपने ओरिजिनल कंडीशन में, बस थोड़ा यार इसकी जो बोनट है उस पर ज़रा सा हमने करवाया हुआ थोड़ा शेड के लिए। पका यार गाड़ी जेनवन है। इंजन इसका यार एक मरतबा थोड़ा मसला किया था, उसमें थोड़े सेटिंग करवाए थे, बस उसके अलावा यार गाड़ी बिल्कुल जेनवन कंडीशन में। अच्छा तो नंबर कहाँ गए? नंबर उसका हमने पंजाब का लगवाया, तो ये तब ये पुरानी तकरीबन से हो गया यार 11 से 12 साल हो गए मेरे पास इस गाड़ी को माशाल्लाह से, कोई भी यार इतना खास इसने मसला नहीं किया। अच्छा अच्छा चले मैं यहीं आगे से यार टर्न ले लेते हैं और गाड़ी वापस लेके आते हैं। वैसे मैंने ड्राइव इसकी देख ली है, गाड़ी ठीक है। तो यहीं से यार बस वापस करते हैं। तो इसकी यार एक और जो मेन चीज़ हमें पूछनी याद ही नहीं है जी जी क्या गाड़ी की यार प्राइस क्या रखी हुई है आपने? हम इसके यार 17 लाख मांग रहे हैं गाड़ी का, तो आप अपने यार मुताबिक गाड़ी देखें और उधर बैठते हैं बैठ के यार प्राइस की बात कर लेंगे। चलो ठीक है यार उधर बैठ के आराम से बात कर लेंगे। तो अभी तो हम गए वापस आ गए जी, गाड़ी मैंने चेक कर ली है अपने जो मुझे जमील बताता रहता है कि किस तरह हमने गाड़ी चेक कर ली है वो सब वाले से। यार गाड़ी मुझे बेहतरीन लगी है अभी तक, तो अभी तक तो ठीक है। चलें अब हम इनसे यार प्राइस सेट कर लेते हैं।
अब देखते हैं यार ये हमारी प्राइस के मुताबिक बनती है कि नहीं। आए अहमद भाई, अच्छा आता हूँ, तो आए उधर ही बैठ जाएँ फिर। हाँ ठीक है, उधर ही बैठते हैं, आए उधर ही बैठ कर ना फिर आराम से बात करते हैं, जो कुछ मुनासिब हुआ इंशाल्लाह फिर कॉल देंगे। आए आए फिर आए। तो अभी गाइज हम इनसे बात करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है यार हो जाए तो। अच्छा फिर आप अपनी यार फाइनल फाइनल प्राइसेस की बताएं। तो क्या मैंने आपको 17 लाख बताया, तो उसमें से मैं 50 हज़ार छोड़ दूंगा, यही मैं आपको साथ कुछ यार थोड़ा ज़्यादा कर लें। लाख नहीं सॉरी, मैं लाख कह गया, मुंह से निकल गई अपनी असल बात ही, तो लाख के करीब तो यार छोड़े ना, ये 50 हज़ार तो नहीं होता। तो यार 50 हज़ार कहूँ 80 हज़ार छोड़ दूंगा, और क्या कहते। नहीं यार बस मेरे मुंह से अब लाख ही निकले तो लाख छोड़ दें, तो 16 लाख में गाड़ी यार मुझे दे दें। ठीक है चलो यार, अहमद भाई भी साथ हूँ। अहमद भाई किस तरह, ठीक है? हाँ यार ठीक है, दे दें, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं, तायर भाई अपने दोस्त ने जानने वाले हैं। चलो फिर आपका कहना पाऊँ दे देते। ठीक है यार, आपकी 16 लाख में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह मैं शाम तक इसके डॉक्यूमेंट क्लियर कर दूंगा सारे। तो अभी आप गाड़ी लेके जाते हैं या फिर शाम के वक्त लेके जाते हैं? आप एक काम करें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, 1 लाख रुपया आप रख लें ये। तो इसके बाद शाम के वक्त जब डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मतलब किस तरह क्लियर नहीं है, गाड़ी के आपके नाम पर है ये क्या? तो नहीं मेरे नाम पे, बस मैं इधर लेके आऊँगा सारे सेट करके आपको देने। अभी यार घर पे पड़े, उधर जाएंगे फिर टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं, तो शाम के वक्त हम फिर गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आए अहमद भाई, अच्छा आया आप, गाड़ी ये काम करें इधर ही ले आए। चले मैं इधर ही ले आता हूँ। तो गाइज हमारी यार इनसे बात हो गई है जी, 16 लाख में गाड़ी हमने ले ली है, 17 ये मांग रहे थे और 16 में हमारी डील फाइनल हुई है। तो अभी ये गाड़ी ये शाम तक हमें पहुंचा देंगे, इसके कागजात सारे क्लियर हैं, बस अभी कह रहे हैं घर पे पड़े हुए हैं। अहमद भाई आज आगे नहीं बैठ रहे? बस यार पीछे ठीक है, आगे यार तंग हो रहे हैं ना बंदे, ऐसी थी मेरे कहा पीछे बैठ जाए। चले खैर आपको जिस तरह मुनासिब समझे। तो अभी गाइज़ गाड़ी हमारी शाम को आ जाएगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे उस अपनी शॉप पे लेके जाना है। तो अब मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।